हम लोगों ने टाइगर किंग का दो पार्ट पढ़ा, आज हम लोग थर्ड और फोर्थ पार्ट को देखेंगे। थर्ड पार्ट की शुरुआत काल्की करता है कि फ्रॉम दैट डे ऑन वार्ड्स इट वॉज ए सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। उस दिन के बाद से, फ्रॉम दैट डे ऑन वार्ड्स, अब यहां पर प्रश्न उठता है किस दिन के बाद से, और प्रतिबंधपुरम के जंगल में रहने वाले बाघों के लिए वह सेलिब्रेशन टाइम अर्थात उत्सव मनाने का समय क्यों आ गया। तो हम लोगों ने सेकंड पार्ट में देखा कि जब महाराजा ने ज्योतिष के सामने कहा कि व्हाट हैपेंड इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, देन द स्टेट एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइड दैट ही वुड टियर अप ऑल हिज बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम, कट ऑफ हिज स्टफ, क्रॉप हिज हेयर शॉर्ट एंड ही वुड बिकम इंश्योरेंस एजेंट। इन ब्रीफ ही हैड चैलेंज, अगर संक्षेप में कहें तो उसने चैलेंज किया, चुनौती दी महाराजा को कि श्रीमान अगर आप समय बाघ को मार लेते हैं तो मैं सदा सदा के लिए ज्योतिषी छोड़ दूंगा। उसी दिन के बाद से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम के जंगल में रहने वाले बाघों के लिए उत्सव मनाने का समय आ गया था। Why that was a celebration time? Because the state banned tiger hunting. क्योंकि राज्य ने महाराजा जंग बहादुर के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा बाघों के शिकार पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी। इसलिए उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम के जंगल में रहने वाले बाघों के लिए उत्सव मनाने का समय आ गया। ए प्रोक्लेमेशन वाज इशूड, एक सार्वजनिक घोषणा की गई कि इफ एनी वन वुड डेयर टू फ्लिंग इवन ए स्टोन एट टाइगर्स ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड और सीज्ड। राज्य ने पूरे प्रतिबंधपुरम में सार्वजनिक घोषणा करवा दी कि महाराजा जंग बहादुर के अतिरिक्त प्रतिबंधपुरम के जंगल में रहने वाले बाघों को कोई मार नहीं सकता। बाघ मारने की बात तो दूर रही, अगर किसी ने बाघों के तरफ फ्लिंग ए स्टोन, अगर पत्थर फेंकने का भी साहस किया तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसलिए किसकी मजाल थी जो बाघों को छेड़ भी दे। इसलिए उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम के जंगल में रहने वाले बाघों के लिए उत्सव मनाने का समय आ गया। क्लियर? तो हम लोगों का पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, और हम लोगों ने कल 11 क्वेश्चन देखा था, 12 नंबर क्वेश्चन और पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू प्रिवेंट टाइगर हंटिंग इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में बाघों के शिकार को रोकने के लिए कौन सी सार्वजनिक घोषणा की गई, या अगर क्वेश्चन रहे और व्हाई देयर वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। ये दो तरीके से क्वेश्चंस होंगे, और कि पहला कि प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार रोकने के लिए
कौन सी सार्वजनिक घोषणा की गई, या कि प्रतिबंध पूरम के जंगल में रहने वाले बाघों के लिए उत्सव मनाने का समय क्यों आ गया था? तो उसका सीधा सा आंसर है बिकॉज द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। ए प्रोक्लेमेशन वाज इशूड दैट इफ एनीवन वुड डेयर टू फ्लिंग इवन ए स्टोन एट टाइगर ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड मीन्स सीज्ड, जब्त कर लिया जाएगा। दैट्स वाई देयर वाज ए सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। उसके बाद महाराजा ने प्रतिज्ञा किया, ही हैड वोड ही वुड अटेंड ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। महाराजा ने प्रतिज्ञा किया कि मैं राज्य का दूसरा कोई भी काम तभी करूंगा जब पहले मैं 100 बाघ मार लूंगा, चाहे राज्य में अकाल हो जाए, आक्रमण हो जाए। ही हैड नथिंग टू डू विथ इट। हिज फर्स्ट टारगेट वॉज टू किल 100 टाइगर्स। उनकी पहला जो टारगेट था 100 बाघ मारने की। अब हम लोग देखेंगे आगे जो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन होंगे पार्ट थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन, और हम लोगों का यहां 13 नंबर जो क्वेश्चन होगा कि व्हाई डीड ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक उच्च पद पर बैठा हुआ ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम क्यों आया? डीड द महाराजा फुलफिल हिज डिजायर। क्या महाराजा ने क्या महाराजा उसकी इच्छा पूरा किए? फाइन। अब इस पार्ट को देखें हम लोग। ए स्टोरी द टाइगर किंग वाज रिटेन व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। ये कहानी तब लिखी गई है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। एक उच्च पद पर बैठा ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम घूमने आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। वह बाघ मारने का बहुत ही शौकीन था। एंड फाउंडर ऑफ बींग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शॉट। और उससे भी ज्यादा उसे शौक क्या था? उस मरे हुए बाघ के सामने गन लेकर फोटो खिंचवाने का। डिड द महाराजा फुलफिल हिज डिजायर। क्या महाराजा उसकी इच्छा पूरा किए? तो जैसे ही वो प्रतिबंधपुरम आया, वो सुन रखा था कि प्रतिबंधपुरम में अनगिनत बाघ हैं। वह बाघ मारने का बहुत ही शौकीन था। उन्होंने महाराजा से अपनी इच्छा जताई, लेकिन महाराजा साफ तौर पर इनकार कर दी। यहां पर देखेंगे हम लोग कि टाइगर किंग की एक बहुत बड़ी जो है कैरेक्टर आती है सामने कि टाइगर किंग वाज ए मैन ऑफ अ स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। टाइगर किंग दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति था। वो जिंदगी में टूटना जानता था लेकिन झुकना नहीं। उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मेरे राज्य में मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई बाघ नहीं मार सकता है। तब उस ब्रिटिश अधिकारी ने अपने सेक्रेटरी के माध्यम से महाराजा के दीवान को, दीवान उस समय में राजा के बाद सबसे बड़ा पावरफुल पद होता था, जिसको दीवान या वजीरे आजम, प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, कहा जाता था। तो उसने अपने जो है सेक्रेटरी के माध्यम से महाराजा के दीवान को खबर भिजवाया कि हम लोग बीच का रास्ता अपनाते हैं। एक्चुअली बाघ महाराजा ही मारे, मुझे केवल उस मरे हुए बाघ के सामने गन लेकर फोटो खिंचवाने की इजाजत दे दी जाए। लेकिन महाराजा उसके इस इच्छा को भी पूरा होने से साफ तौर से इनकार कर दिए। प्रश्न उठता है कि महाराजा ने क्यों इनकार किया? द महाराजा थॉट दैट इफ ही वुड रिलेंट वंस, कि अगर वो एक बार झुक गए, देन द अदर ब्रिटिश ऑफिसर माइट ब्लैकमेल हिम।
तो दूसरे ब्रिटिश अधिकारी उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। सो द महाराजा रिफ्यूज हिम टू डू सो। तो यहां पर हम लोग देखें कि व्हाई डिड ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिट प्रतिबंधपुरम, एक उच्च पद पर बैठा हुआ ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम क्यों आया। दूसरा उसी का सेकंड पार्ट, डिड द महाराजा फुलफिल हिज डिजायर, क्या महाराजा ने उसकी इच्छा पूरी की, व्हाई क्यों। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे कि ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम फॉर हंटिंग टाइगर्स, एक उच्च पद पर बैठा ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करने आया था। बिकॉज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होना, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शॉट, और उससे भी ज्यादा शौक क्या था, उस मरे हुए बाघ के सामने गन लेकर फोटो खिंचवाने का। Did the Maharaja fulfill his desire? No. The Maharaja did not fulfill his desire. He refused him to do so. उन्होंने उसे ऐसा करने से इनकार कर दिया। Why? Because the Maharaja thought that if he would relent once, then the relent means झुकना, कि अगर एक बार वो झुक गए उस ब्रिटिश अधिकारी के सामने, then the other British officer might ब्लैकमेल हिम, तो दूसरे ब्रिटिश अधिकारी उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर वो ब्रिटिश अधिकारी एक बार रिपोर्ट कर देता कि ये महाराजा हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो प्रतिबंधपुरम राज्य को अंग्रेजों के द्वारा सीज किया जा सकता था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर थर्ड जो होगा क्वेश्चन हम लोग का, यहां जो 14 नंबर क्वेश्चन होगा लेसन का, कि व्हाई डिड द महाराजा फेस द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, कि महाराजा को अपनी राजगद्दी खोने का खतरा क्यों उत्पन्न हो गया। व्हाई वाज महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ losing his kingdom, तो since चूंकि the Maharaja had prevented a high ranking British officer from fulfilling his desire, that's why the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself, चूंकि महाराजा एक उच्च पद पर बैठे हुए ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरा करने से इनकार कर दिए थे, अतः महाराजा के सामने अपनी राजगद्दी खोने का खतरा उत्पन्न हो गया। अब हम लोग ये देखें कि क्या महाराजा अपनी राजगद्दी को बचा पाएंगे या नहीं और कैसे। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4, और हम लोग जो सीरियल चल रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 15, कि हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, महाराजा अपनी राजगद्दी को कैसे बचाए। महाराजा और दीवान दोनों ने इमरजेंसी मीटिंग को होल्ड किया, आपातकालीन मीटिंग, और दोनों उनानिमसली मतलब सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुंचे कि अगर किसी भी तरीके से उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी, उसके लिए कालकी ने एक वर्ड यूज किया है दुराई सानी, दो वर्ड लिस्ट में पार्ट थर्ड में आप लोगों ने दो वर्ड देखा जो शायद डिक्शनरी में उसका मीनिंग नहीं मिले, दुराई एंड दुराई सानी। तो दुराई जो है वो दक्षिण भारत में अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था, और हम लोग नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में उसको फिरंगी कहते थे, और दुराई सानी अंग्रेज की पत्नियों को कहा जाता था। तो महाराजा और दीवान दोनों ने इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर किसी तरीके से
उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को खुश कर लिया जाए तो हमारी राजगद्दी बच सकती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया के हर औरतों की एक बहुत बड़ी वीकनेस होती है जेवर, ज्वेलरी। तो महाराजा इस वीकनेस को जानते थे। उन्होंने कलकत्ता के एक फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स को टेलीग्राम किया कि तेरे पास जितने भी हीरे की महंगी से महंगी अंगूठियां हैं उसका सैंपल भेजो। 50 अंगूठियां आई। महाराजा और दीवान वो 50 अंगूठियों को उस ब्रिटिश अधिकारी की भले मानस पत्नी को, गुड लेडी को, कालकी ने कमेंटिंग टोन में कहा है कि गुड लेडी को भेज दिया इस उम्मीद में कि वो ब्रिटिश अधिकारी की भले मानस पत्नी उसमें से एक या दो चुनेगी, बाकी लौटा देगी। तत्काल उधर से जवाब आता है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। और वह ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी 50 अंगूठियों को रख लेती है और उधर से महाराजा को थैंक्स भेज देती। उस जमाने की बात है कि 2 दिन के अंदर महाराजा को 3 लाख रुपए का बिल आया। फिर भी महाराजा खुश थे कि 3 लाख रुपए गए तो गए, राजगद्दी तो बचा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए, और 2018 में 7 मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। तो अगर हम लोग डिटेल में लिखें तो 3rd और 4th दोनों क्वेश्चंस को जोड़ेंगे। अगर 2 मार्क्स में लिखना हुआ ब्रीफली कि हाउ डिड महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, तो सिंपली लिखेंगे कि महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम बाय प्लीजिंग द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर। ही हैड सेंट 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग विच वाज ब्राउट फ्रॉम ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। द महाराजा हैड टू लूज 3 lakhs of rupees बट ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। और लेकिन उन्होंने अपनी राजगद्दी को बचा लिया। तो मेनली हम लोगों ने कंप्लीट जो है 3rd पार्ट में क्या क्या देखा कि पहला कि प्रतिबंधपुरम के जंगल में रहने वाले बाघों के लिए उत्सव मनाने का समय क्यों आ गया था, एक उच्च पद पर बैठा ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम क्यों आया, क्या महाराजा ने उसकी इच्छा पूरी की क्यों, तीसरा कि महाराजा के सामने अपनी राजगद्दी खोने का खतरा क्यों उत्पन्न हो गया, और 4th कि महाराजा ने अपनी राजगद्दी को कैसे बचाया। अब हम लोग 4th पार्ट चलेंगे इस स्टोरी का। 4th पार्ट टाइगर किंग का जो पार्ट 4 है उसको हम लोग जो है वो देखें कि 4th पार्ट में कालकी ने क्या लिखा है और इससे कितने क्वेश्चंस जो है वो एराइज होते हैं। तो पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 में देखें कि within 10 years महाराजा कितने वर्ष की उम्र में बने, वो 20 वर्ष की उम्र में। within 10 years 10 वर्ष के अंदर महाराजा 70 बाघ मार चुके। देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्राउट इन द महाराजाज मिशन ऑफ हंटिंग टाइगर्स। 70 बाघ मारने के बाद महाराजा के बाघ मारने के अभियान में एक अदृश्य संकट उत्पन्न हो गया। व्हाट वाज दैट अनफोर्सीन हर्डल, वह अदृश्य संकट क्या था। बिकॉज द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, क्योंकि प्रतिबंधपुरम के जंगल से बाघ ही विलुप्त हो गए, जबकि महाराजा की प्रतिज्ञा थी 100 बाघ मारने की। अब महाराजा क्या करे। तो 70 बाघ मारने के बाद यहां पर कालकी ने कमेंट किया है कि किस तरह से बेरहमी से महाराजा जंग जंग बहादुर ने बाघों का शिकार किया कि 10 साल के अंदर पूरे प्रतिबंधपुरम से बाघ ही विलुप्त हो गए, लेकिन फिर भी उस राजा का घमंड शांत नहीं हुआ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा पार्ट 4 का, क्वेश्चन नंबर 1
और यहां पर हम लोग को देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 की फेन डीड एन अनफोर्सिन हर्डल, फेन डीड एन अनफोर्सिन हर्डल, अनफोर्सिन हर्डल कम इन द महाराजा मिशन ऑफ हंटिंग टाइगर्स, महाराजा के बाघ मारने के अभियान में, महाराजा मिशन ऑफ हंटिंग टाइगर्स, महाराजा के बाघ मारने के अभियान में एक अदृश्य संकट कब उत्पन्न हो गया, व्हाई, क्यों, या वह अदृश्य संकट क्या था। तो विद इन 10 ईयर्स द महाराजा किल्ड 70 टाइगर्स एंड आफ्टर किलिंग 70 टाइगर्स एंड अनफोर्सिन हर्डल ब्राउट इन द महाराजा मिशन ऑफ हंटिंग टाइगर्स। व्हाट वाज दैट अनफोर्सिन हर्डल? बिकॉज द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब महाराजा के सामने एक यक्ष प्रश्न उत्पन्न हो गया कि वो क्या करें, अब महाराजा क्या करेंगे, जो है 30 और बाघ मारने के लिए टारगेट जो है अभी 30 बचा हुआ था। तो व्हाट डिड द महाराजा, जो सेकंड क्वेश्चन होगा फोर्थ पार्ट का यहां पर 17, कि व्हाट डिड द महाराजा, व्हाट डिड द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। महाराजा उपयुक्त संख्या में बाघ मारने के लिए क्या निर्णय लिए, जब 70 बाघ मारने के बाद प्रतिबंधपुरम से बाघ विलुप्त हो गए, तब महाराजा ने अपने दीवान को बुलाया। महाराजा का जो दीवान था वो मूर्खाधिराज था, महान मूर्ख था। महाराजा दीवान को बुलाते हैं और अपना गन दिखाकर बोलते हैं कि मां दीवान साहब, अभी भी मेरे इस गन से 30 बाघ मारा जाना शेष है। गन देखकर वह मूर्ख दीवान थर थर कांपने लगता है और उसे यह एहसास होता है कि अब बाघ नहीं मिल रहा तो शायद महाराजा उसी को मार देंगे। वह बोलता है कि योर मैजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर, श्रीमान मैं बाघ नहीं हूं। महाराजा बोलते हैं कि व्हिच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कौन मूर्ख तुमको बाघ कहता है। तब दीवान बोलता है कि नो आई एम नॉट ए गन, मैं गन ही नहीं हूं, श्रीमान मुझे क्यों दिखा रहे हैं। तब महाराजा अपना प्लानिंग बताते हैं कि दीवान साहब, यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, आई हैव कॉल्ड यू फॉर ए डिफरेंट पर्पस, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने आपको यहां एक दूसरे उद्देश्य से बुलाया है, मैंने शादी करने का निर्णय लिया है। उस मूर्ख दीवान को लगा कि शायद महाराजा उसी से शादी करेंगे। वह मूर्ख दीवान शादी का नाम सुनकर और थर थर कांपने लगा। वो बोलता है कि योर मैजेस्टी आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी, कि श्रीमान मेरी दो पत्नियां तो पहले से हैं। इफ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी करूं। महाराजा का पारा चढ़ता है। महाराजा बोलते हैं कि डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास बंद करो, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा, व्हाट आई वांट इज ए टाइगर, मुझे बाघ चाहिए बाघ। तब उस मूर्ख दीवान को लगता है कि शायद महाराजा बाघिन से शादी करेंगे। वो बोलता है कि योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट, महाराज जरा इस पर सोचिए, योर एंसेस्टर देर मैरिड टू द सोल्ड, आपके पूर्वजों ने तो तलवार से ब्याह किया। इफ यू वांट मैरी ए गन, अगर आपकी इच्छा है तो गन से शादी कर लीजिए। ए टाइगर किंग इज मोर फॉर अवर स्टेट, इट नीडंट नीड ए टाइगर क्वीन, हमारे राज्य के लिए आप एक टाइगर किंग ही काफी हैं, हम लोगों को महारानी भी बाघिन नहीं चाहिए। महाराजा रियलाइज करते हैं कि यह दीवान जरूरत से ज्यादा जो है वो डर गया है। तब महाराजा क्लियर करते हैं कि दीवान साहब, न तो मैं गन से न टाइगर से शादी की बात कर रहा हूं, मैं तो अपने ही रैंक के किसी वैसे राजकुमारी से शादी करना चाहता हूं जहां पर बाघों की संख्या सबसे ज्यादा हो। अर्थात तभी क्लियर हो गया कि व्हाट डिड द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। क्लियर है कि द महाराजा डिसाइडेड
to get married with the princess of the state having the large number of tiger population. महाराजा वैसे देश की राजकुमारी से शादी करना चाहते थे जहां पर बाघों की संख्या सबसे अधिक हो. उन्होंने दीवान को ऑर्डर किया कि हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वहां का स्टैटिस्टिकल डाटा निकालो कि किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है, तब देखो कि वहां शादी के योग्य कोई राजकुमारी है या नहीं. दीवान तत्काल महाराजा के आदेश का पालन करता है और इस प्रकार से महाराजा जंग जंग बहादुर की शादी वैसे देश की राजकुमारी से कर दी जाती है जहां बाघों की संख्या सबसे ज्यादा थी. तो ये दो पार्ट मतलब अगर क्वेश्चन रहे इस तरह से, और इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि हुम डिड द टाइगर किंग वॉन्ट टू मैरी, हुम डिड द टाइगर किंग वॉन्ट टू मैरी, टाइगर किंग वॉन्ट टू मैरी, टाइगर किंग किससे शादी करना चाहता था. तो द टाइगर किंग वॉन्टेड टू गेट मैरिड विथ द प्रिंसेस ऑफ द स्टेट having the large number of tiger population, जिनका whole और soul एक ही उद्देश्य था कि 30 बाघ मार करके और वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके. तो बच्चों आज दो पार्ट हम लोगों ने देखा, सेकंड और थर्ड. अब हम लोग अगले जो है वीडियो में फिफ्थ पार्ट को देखेंगे कि क्या महाराजा समय बाघ को मार पाते हैं या नहीं, क्या उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच साबित होगी या नहीं. ये बच्चे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को देखेंगे. थैंक यू.